हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 में पढ़ेंगे विधान परीक्षण। इससे पहले हम लोग विधानसभा कंप्लीट कर चुके थे। विधान परिषद के गठन का उल्लेख आर्टिकल 169 में किया गया है, 169 अनुच्छेद में। इसमें उल्लेख है कि यदि विधानसभा अपने बहुमत से विधान परिषद का प्रस्ताव पास कर दे तो संसद विधान परिषद बना सकती है और हटा भी सकती है और बना भी सकती है, यानी कि सृजन भी कर सकती है और उसे समाप्त भी कर सकती है। दोनों ही केसेस किसके हाथ में होंगे? संसद के हाथ में होंगे। किसको लेकर? विधान परिषद को लेकर। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि विधान परिषद की आवश्यकता क्यों हुई? सबसे पहले हम एक शब्द देखते हैं जिसका नाम है विधान मंडल। जैसे हम संसद में तीन चीजों को जोड़ते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, वैसे ही विधान मंडल में हम तीन चीजों को जोड़ते हैं। पहला है विधान सभा, दूसरा है विधान परिषद और इसमें तीसरा है राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। ठीक वैसा ही जैसे हम संसद में तीन चीजों को जोड़ते थे, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। तो ठीक वैसे ही जैसे संसद है वैसे ही विधानमंडल भी है। विधानमंडल में विधानसभा आएगी, विधान परिषद आएगा और राज्यपाल आएगा। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर जैसे बनते हैं, वैसे ही विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा, राज्यपाल तीनों मिलकर बनते हैं। अब सवाल ये उठता है कि विधान परिषद क्यों बनाया गया? तो विधान परिषद बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है सुशासन लाना। जैसे राज्य बड़ा होता है वैसे वैसे शासन की आवश्यकता ज्यादा होती है। मेंबर जो एमएलएज होते हैं उनकी आवश्यकता ज्यादा होती है। ऐसे में सुशासन चलाने के लिए ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती है। इसीलिए दूसरा भाग द्वितीय सदन, विधान परिषद को हम क्या क्या कहते हैं? द्वितीय सदन कहते हैं, अस्थाई सदन कहते हैं, द्वितीय सदन इसे हम कहते हैं। और ये ठीक राज्यसभा की तरह ही होता है। हम इसे स्थाई कह सकते हैं लेकिन ये हटाया भी जा सकता है, राज्यसभा को नहीं हटाया जा सकता है। और भी बहुत सारे नाम इसे कहते हैं, जैसे विधानसभा को लोकप्रिय है लेकिन ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव इसमें नहीं होता है। तो विधान परिषद का उल्लेख 169 में है। विधानसभा बहुमत से प्रस्ताव यदि पास कर दे तो उस प्रस्ताव को संसद को भेजना होगा और संसद विधान परिषद का गठन भी कर सकती है और हटा भी सकती है। वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषद है। वर्तमान में कितने राज्यों में है? 7। अंतिम जो बना वो 7वां राज्य है तेलंगाना, जो फरवरी 2014 में यूपीए गवर्नमेंट मनमोहन सिंह जी के टाइम बना था और ये भारत का 29वां राज्य उस समय था। 28 राज्य पहले थे, उसके बाद में 370 हटने के बाद तो स्ट्रक्चर ही बदल गया। उस समय 2014 में ये भारत का 29वां राज्य बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था। तो इसमें विधान परिषद का गठन रखा गया था। विधान परिषद में राज्य विधान परिषद 7 हमारे यहाँ पर है, 7 राज्यों में है। जो बड़े राज्य हैं जहां प्रशासन की आवश्यकता होती है, ये यूके शासन चलाने में सुगमता चाहिए, तो उससे वहां हम क्या लेकर आते हैं? विधान परिषद लेकर आते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? 169। आपको ये कंफर्म पता होना चाहिए कि भारत में संविधान केवल एकमात्र ही है और वो केंद्र सरकार ही उसमें संशोधन कर सकती है। संविधान में कानून जोड़ना है तो वो भी केंद्र सरकार, संसद का प्रमुख कार्य है।
जब हमने संसद पढ़ी तो उस समय एक लाइन बहुत अच्छे से सीखी थी हमने कि संसद का सबसे प्रमुख इंपॉर्टेंट जो काम है वो है कानून का निर्माण करना। तो इसमें पहला बिंदु विधान परिषद में पहला बिंदु है विधानसभा का उल्लेख, तो वो है 60, 169। अब इसमें सदस्यों की बात करें, विधान परिषद में सदस्यों की बात करें तो सदस्य संख्या तो ये विधानसभा का एक तिहाई से ज्यादा नहीं होगी, विधानसभा के एक तिहाई से ज्यादा नहीं हो सकती है, ये रेशियो हमने सेट किया हुआ है। जैसे विधानसभा को लेकर हमने बात की थी 500 से ज्यादा नहीं हो सकती, 40 से 60 से कम नहीं हो सकती, वैसे ही विधान सभा का 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती किसकी सदस्यता, विधान परिषद की, इसमें भी 40 से कम सदस्य भी नहीं होंगे। ये भी शर्त है। अगर हम कंपेयर करें तो विधानसभा में सीटें थी अधिकतम 500 न्यूनतम 60, और विधान परिषद में कम से कम कितनी हो गई 40। जम्मू एंड कश्मीर इसका क्या है, अपवाद है, ये आपको ध्यान रखना है। विधान परिषद की सदस्यों को लेकर हम बात कर रहे हैं तो विधान परिषद की सदस्यता किस पर तय होगी, विधानसभा के कुल सदस्यों पर तय होगी। विधानसभा के कुल सदस्य संख्या, विधानसभा के कुल सदस्य संख्या से 1/3 जो होगा वो क्या होगा, विधान परिषद की सदस्यता होगी। यानी कि विधानसभा, जैसे राजस्थान विधानसभा की हम बात करें तो कुल सदस्य होंगे 200 और इसका 1/3 बात करें हम लोग तो 66.66 और राउंड फिगर में 67 सदस्य राजस्थान विधानसभा में होने चाहिए। राजस्थान विधान परिषद में विधानसभा की सदस्य संख्या 200 है तो उसका एक तिहाई 67 सदस्य विधान परिषद में होंगे। यदि भविष्य में राजस्थान में विधान परिषद बनता है तो 67 सदस्य यहाँ पर होंगे। तो विधान परिषद के सदस्यों का कैलकुलेशन हमें समझ में आना चाहिए। विधानसभा का कितना होगा, 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता। हमने पढ़ा था विधानसभा में सदस्य कितने होंगे, 500 अधिकतम 60 कम से कम। विधान परिषद में अधिकतम सदस्य तो पहले से ही निश्चित है क्योंकि विधानसभा का 1/3 से ज्यादा नहीं होगा। कम कितने होंगे, 40 से कम सदस्य भी नहीं हो सकते हैं। इसमें अपवाद क्या है, जम्मू और कश्मीर अपवाद है। इसमें हम आगे देखें सदस्यों का निर्वाचन, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, तो इसमें जो पद्धति होगी वह होगी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसके माध्यम से क्या होगा, चुनाव होगा, किसका, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होगा। इसमें सदस्य कैसे होंगे, 5/6 तो क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। 5/6 सदस्य कैसे होंगे, निर्वाचित होने वाले हैं, और 1/6 सदस्य ये होंगे मनोनीत, जिन्हें मनोनीत कौन करेगा, राज्यपाल महोदय, ये सदस्य होंगे मनोनीत यहां पर होंगे। अब यहां पर मनोनीत को लेकर भी बहुत सारे हैं, एंग्लो इंडियन पर्सन होंगे और ये 1/6 सदस्य ही होंगे। विधान परिषद जिसे हम क्या क्या कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं, द्वितीय सदन भी कहते हैं, और वैसे जैसे राज्यसभा को हमने उच्च सदन कहा था वैसे ही इसको भी हमने क्या कहा है,
उच्च सदन कहा है, द्वितीय सदन भी कहा है। विधान परिषद के सदस्यों का यदि हम निर्वाचन देखें तो इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से क्या होता है, चुनाव होता है। और जैसे संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। वो सारे कार्य जो राष्ट्रपति केंद्र में करते हैं वही सारे काम राज्यपाल राज्यों में करेंगे। इसके सदस्यों के निर्वाचन की बात करें तो 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं, कहां से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से। और ये पद्धति हमने राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत डिटेल से पढ़ी थी। 1/6 मनोनीत सदस्य होते हैं और ये मनोनीत सदस्य इनका अनुपात कम होने पर ही होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की बात करें तो स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल बनेगा, इसमें विधान परिषद अपने नगर पालिका वगैरह ये छोटी संस्थाएं होंगी, यहाँ से भी निर्वाचन इनका होगा। विधानसभा का निर्वाचन मंडल होगा जिसमें 1/3 सदस्य इसमें निर्वाचित होने ही होने हैं। स्नातकों का निर्वाचक मंडल होगा, ग्रेजुएशन कॉलेजों में जो टॉपर्स होंगे उनके जो कुछ गाइडलाइन है संविधान में दिए गए हैं वहां से ये निर्वाचन होगा। अध्यापकों का निर्वाचक मंडल भी इसमें होगा और ये सब मिलकर विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। इसमें हम लोग मनोनीत की बात करें तो राज्यपाल महोदय 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और ये मनोनीत कला साहित्य बहुत सारे क्षेत्रों से मिलकर होने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे में ये विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता है कंप्लीट। इसमें मनोनीत से संबंधित राज्यपाल 1/6 सदस्यों को, टोटल संख्या का 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इस प्रकार से जैसे 100% होता है 6/6 किसी भी संख्या का, तो 5/6 सदस्य तो आएंगे निर्वाचन से और 1/6 सदस्य आएंगे मनोनीत होकर, जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख और वो हैं राज्यपाल, इनके जरिए आएंगे। विधान परिषद के निर्वाचन में आगे देखें हम लोग योग्यता, तो योग्यता में वे सारी योग्यता जो विधानसभा की योग्यताएं हैं, हमने पढ़ा था विधानसभा की योग्यता। और विधानसभा की योग्यता में भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, निर्वाचन आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके बाद भारत की न्याय प्रणाली द्वारा या न्यायालय द्वारा उसके चुनाव पर रोक नहीं होना चाहिए। इसमें विधानसभा और विधान परिषद में जो बड़ा अंतर है वो है आयु वर्ग को लेकर। 30 वर्ष की आयु राज्य विधानसभा में होनी चाहिए, सॉरी विधान परिषद में होनी चाहिए, 30 वर्ष का आयु वर्ग विधान परिषद में होना चाहिए, जबकि विधानसभा में 25 वर्ष का आयु वर्ग इसमें रखा गया है। विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में अगली बात हम कर रहे हैं योग्यता की, वे सारी योग्यताएं जो विधानसभा में निर्धारित की गई हैं वे तो होंगी होंगी, प्लस भारत का नागरिक होना चाहिए, निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, निर्वाचन सूची में उसका नामांकन होना चाहिए, न्यायालय के द्वारा चुनाव लड़ने पर रोक नहीं होना चाहिए। उसमें विधानसभा और विधान परिषद में जो अंतर है योग्यता में वह है आयु वर्ग का। विधानसभा में आयु वर्ग है 25 वर्ष और विधान परिषद में आयु वर्ग है 30 वर्ष। इसके बाद हम अगली विशेषता की बात करें तो वह है कार्यकाल। तो विधानसभा का कार्यकाल हम जानते हैं कि अगला बिंदु है कार्यकाल। इसमें विधानसभा की बात करें
और विधान परिषद की बात करें। विधानसभा का कार्यकाल बेसिकली 5 वर्ष होता है, इसका 6 वर्ष होता है। ये राज्यपाल के प्रसाद ये विधानसभा में बहुमत तक बने रहेंगे। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये बहुमत होगा और ये बहुमत तक या 5 वर्ष तक रहेंगे। ये अस्थाई सदन है, यह अस्थाई सदन है, यह स्थाई सदन है। विधान मंडल का भी पूरा भंग नहीं होता है, विधान परिषद बना रहेगा, विधानसभा होगी, इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद निर्वाचित होते हैं। 1/3 विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन की बात करें तो कार्यकाल विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, इसमें बहुमत तक की बनी रहती है। इसमें विश्वास प्रस्ताव की बात हमने पहले ही की थी, जब तक विधानसभा में बहुमत रहेगा तब तक सरकार बनी रहेगी। ये अस्थाई सदन है, कभी भी इसे भंग किया जा सकता है। विधान परिषद की बात करें तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, यह सदन स्थाई सदन होता है, 1/3 सदस्य इसमें 2 वर्ष के बाद चुनाव होता है। जैसे इसकी हम 6 वर्ष की बात करें तो 1/3 + 1/3 + 1/3 टोटल मिलकर 6/6 इसमें हो जाएगा, यानी कि 100% इसमें चुनाव हो जाएंगे 2-3 हिस्सों में, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 33% सदस्य नए आ जाते हैं। यहाँ जो पहले चुने हुए होंगे वो यहाँ आएंगे, यहाँ से फिर यहाँ आएंगे, और जो नए सदस्य होंगे वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। तो ये विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल है। इसमें विधानसभा और विधान परिषद हम दोनों देख चुके हैं। विधान परिषद भंग जरूर किया जा सकता है, लेकिन वो संसद के द्वारा किया जाएगा। वैसे स्थायी सदन ये कहलाता है। इस उपरांत इसमें अंतिम बिंदु है पदाधिकारी। पदाधिकारी यदि विधान परिषद के गठन की हम बात करें तो इसमें अंतिम बिंदु है पदाधिकारी। इसमें 2 पदाधिकारी होंगे, पहला अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। पहला अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष, और दोनों को ही विधान परिषद चुनता है। इन्हें हटाने का अधिकार भी विधान परिषद के पास ही है। यहां पर विधान परिषद का गठन होता है कंप्लीट। विधान परिषद के गठन के उल्लेख 169 में है। इसे बनाने का अधिकार बहुमत के आधार पर विधान परिषद विधानसभा जब पेश कर देती है तो संसद के द्वारा बनाया जाता है। इसे भंग करने का अधिकार भी संसद के पास ही है, हटाने का। और इसके बाद यदि हम देखें तो इसमें सदस्यों की संख्या 1/3 होती है विधानसभा की। इसमें चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व का एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। इसमें मनोनीत सदस्यों की संख्या 1/6 है जो राज्यपाल महोदय के द्वारा होता है। 5/6 सदस्य निर्वाचित होंगे जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होगा। यहाँ पर हमारा विधान परिषद का गठन होता है कंप्लीट। अभी इसमें एक लास्ट बिंदु बचता है बड़ा, वो है इसके कार्य। जैसे विधानसभा के कार्य थे वैसे ही विधान परिषद के भी कार्य हैं। जैसे राज्यसभा के कार्य थे सेम वैसे के वैसे ही राज्य विधान परिषद के भी कार्य हैं।